आज मैं आपके लिए लाई हूँ पनीर और शिमला मिर्च के बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। एक बार खाएंगे तो बार बार खाने का मन करेगा। सबसे पहले पैन में ऑयल लेंगे, बड़े बड़े टुकड़ों में टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक कट करके फ्राई कर लेंगे ग्रेवी के लिए। थोड़े फ्राई हो जाने के बाद इनमें हम काजू ऐड करेंगे। काजू जल्दी जलने लगते हैं, इसलिए मैं काजू बाद में ऐड कर रही हूँ। इन्हें फ्राई करने के बाद एक बर्तन में निकाल के ठंडा कर लेंगे। अब पैन में दोबारा ऑयल लें और पनीर क्यूब्स फ्राई कर लेंगे। शिमला मिर्च और प्याज कट कर लें। पनीर में नमक, मिर्च, हल्दी ऐड करें, इससे एक अच्छा कलर और टेस्ट आता है। अब मीडियम साइज कटे हुए प्याज और शिमला मिर्च ऐड करके अच्छे से टॉस कर लेंगे। अब जो हमने ग्रेवी के लिए टमाटर प्याज फ्राई किए थे उन्हें ग्राइंड कर लेंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लें। अब एक बर्तन में ऑयल लेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद ज़ीरा, बड़ी इलायची, दालचीनी, खड़े गरम मसाले डाल लेंगे। देन पेस्ट को ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम पिसे हुए मसाले जैसे कि नमक, हल्दी, पिसी धनिया, गरम मसाला, टेकी मिर्च, शाही पनीर मसाला, ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड कर लें अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद हो। पानी ऐड करके 5 से 10 मिनट के लिए पकने दें। ग्रेवी पकेगी तो टेस्ट और भी अच्छा आएगा। मसालों को भून लें तेल अलग होने तक। तेल अलग होने के बाद पनीर और शिमला मिर्च प्याज जो हमने फ्राई की थी उसे ऐड कर दें। ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें। देन थोड़ा सा पानी ऐड करें, जितनी ग्रेवी आपको चाहिए, और 5 मिनट के लिए ढककर सब्ज़ी को पका लेंगे। सब्ज़ी पक जाएगी तो हम इसे में धनिया ऐड करेंगे। धनिया से एक अच्छा फ्लेवर आता है। गर्मा गर्म पनीर और शिमला मिर्च की सब्ज़ी तैयार है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।